नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को करनाल में वर्चुअल माध्यम से इस यू टर्न फ्लाईओवर का उद्घाटन करते हुए कहा कि लगभग 52 करोड़ रुपए की लागत से बने इस फ्लाईओवर में गुरुग्राम के लोगों तथा बाहर से आने वाले लोगों के लिए वाहन चालकों के लिए एक बड़ी राहत मिलेगी। इससे यहाँ एक और गुरुग्राम में DLF साइबर सिटी तथा एबियंस मॉल की तरफ से दिल्ली या उद्योग विहार जाने वाले वाहन चालक ट्रैफिक जाम तथा दुर्घटना से बच पाएंगे। वहीं दूसरी ओर ट्रैफिक जाम होने वाले प्रदूषण के कारण भी गुरुग्राम वासियों को राहत मिलेगी, वाहन चालकों को समय पर बचत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम एक एक करके गुरुग्राम की ट्रैफिक जाम से संबंधित समस्याओं को हल कर रहे हैं। पहले इफ्को चौक, सिग्नेचर टावर और राजीव चौक को ट्रैफिक जाम से मुक्त किया है और उसके बाद हीरो होंडा चौक पर भी फ्लाईओवर बना करके उसे जाम मुक्त बनाया जाएगा। अब शंकर चौक को जाम मुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में एम्बियंस मॉल के बाहर तथा उसके आसपास में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 48 पर 4 लेन का यू टर्न अंडरपास बनाया जा रहा है जो अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। इसके बाद गुरुग्राम वासियों को एम्बियंस मॉल तथा DLF साइबर सिटी की तरफ से जाने वाले तथा दिल्ली से राजौरी चौक रजौरी फ्लाईओवर के नीचे से घूम करके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख रहे हैं पलपल की एक खास रिपोर्ट। बहुत ही एक अच्छा अवसर आज 1 नवंबर हरियाणा दिवस और इस दिन गुरुग्राम शहर को प्रगति के बढ़ते पग में एक और कदम हमने आगे रखा है। लगातार गुरुग्राम की समस्याओं को, खास करके जो ट्रैफिक की समस्या है, उनको हल करने के लिए हम एक ही काम कर रहे हैं। जैसा आप लोगों ने देखा कि जो कंजेशन कभी इफ्को चौक पर था उसको वहाँ हल कराया गया, सिग्नेचर टावर उसको हल कराया गया, राजीव चौक वहाँ भी उस चौक को अंडरपास बना करके सारा हल कराया गया, बाद में हीरो होंडा हुआ, ऐसे कई प्रोजेक्ट आगे बढ़ते हुए आज हम शंकर चौक पर इस फ्लाईओवर के बनने के बाद शहर के लोगों को, दिल्ली जाने वाले हों अथवा जयपुर जाने वाले हों, उद्योग विभाग जाने वाले हों अथवा विपरीत उधर से शहर के अंदर भी आने जाने की जो ट्रैफिक की समस्या थी, इस चौक के फ्लाईओवर के बनने से निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। और जो कंजेशन, जिसके कारण से पोल्यूशन भी बढ़ता था, समय अधिक लगता था, लोगों को हर प्रकार से कष्ट झेलना पड़ता था, कुल मिलाकर के इस फ्लाईओवर यू टर्न फ्लाईओवर के कारण से एक बहुत बड़ा लाभ गुड़गांव के लोगों को और जो बाहर से आने जाने लोग हैं, कम से कम गुरुग्राम की जो छवि बनी हुई है कि वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होता है, एक एक प्रोजेक्ट के बनने के बाद ये ट्रैफिक की समस्या हल होंगी। अब जिस प्रकार से नए नेशनल हाईवे बन रहे हैं, चाहे द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है, चाहे मेट्रो का विस्तार हो रहा है, ऐसे सब प्रोजेक्ट्स के कारण से गुड़गांव का जो बढ़ता हुआ जो औद्योगिकरण है और जो प्रेशर है, उस सारे में ये सुविधा मिलेगी, क्योंकि ये फैलता हुआ शहर है और दिल्ली क्योंकि नेशनल कैपिटल रीजन का एक एरिया होने के नाते से दिल्ली से बहुत लोग गुरुग्राम की तरफ जा करके और वहाँ एक प्रेशर जो बन रहा है उसको ईज आउट करने के लिए इन चीज़ों का लाभ मिलेगा। आज इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ